नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि मूंग स्प्राउट रॉ सलाद इत्यादि जो है खाने से इनको गैस बन जाती है, तो इसका समाधान जो है बताइए, ऐसा प्रश्न जो है आया है। तो आज इसी पे हम जो है दोस्तों विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्यों स्प्राउट्स खाने पे, सलाद खाने पे, कच्चा खाने पे किसी को गैस बन जाती है। वन सेकेंड, किसी का फ़ोन आ रहा है। आप थोड़ी देर बात कीजिए, अभी बाद में, अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, अगर हम पेट को पूरी तरह से साफ नहीं करेंगे और ऊपर से अच्छी चीज़ भी डालेंगे तो गैस करेगा। वो चीज़ गैस नहीं करेगी जो आपने खाया है। ना 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 ना, यही तो गड़बड़ी होती है, यही तो गलती होती है। हम सोचते हैं वो चीज़ गैस कर रही है, नहीं, गलत बात है। असल में जो पिछला पड़ा है गैस, वो कर रहा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि गैस ये कर रहा है? ये सभी चीज़ें जो आपने अभी बताई हैं, इनमें पानी ज़्यादा होता है, और जैसे ही उस गंदगी पे पानी पड़ता है वैसे ही गैस फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप सोचते हैं कि जब मैं रॉ खाता हूँ तो मुझे गैस होने लगती है। समस्या ये नहीं है कि रो से गैस हो रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। असल में आपके शरीर में पहले से ही गंदगी इतनी ज़्यादा है कि वो गंदगी ही गैस बना रही है, ये नई चीज़ नहीं बना रही है। और ध्यान रखना इस बात का कि गंदगी कोई एक दो दिन में ख़त्म होती नहीं है। अरे, एनीमा भी करते हो आप 10-12 दिन, तब जाके कॉलन साफ होता है। आपका कॉलन एक दो दिनों में साफ नहीं होता, जबकि 1.5 लीटर पानी डाला जाता है इसमें, तो भी सोचिए कितनी पुरानी गंदगी जमी हुई है आपके पेट में। तो इसलिए सबसे पहले नीचे से गंदगी को निकालिए। और गंदगी निकलेगी कैसे, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहला जो तरीका है कॉलन, इस प्रक्रिया में हम जो है साफ करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसे साफ करने के लिए हमें एनीमा करना पड़ेगा 10-15 दिन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, ऐसा नहीं कि मैं पहले 10-15 दिन बाद एनीमा करूँगा फिर बाद में ग्रीन जूस लूँगा, ठीक है ना। एनीमा के साथ ही साथ आपको ग्रीन जूस लेना है। दो प्रकार के ग्रीन जूसेज मैं बताता हूँ। नंबर एक है पालक टमाटर का ग्रीन जूस, और दूसरा है करेले का ग्रीन जूस। पालक टमाटर का ग्रीन जूस तो इतना बढ़िया है कि जिन लोगों को जो इंटेस्टाइन है जो ऐसे खींच के रखता है ना, ऐसा देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, ऐसे इंटेस्टाइन खींचा खींचा रहता है पूरा हमेशा, मतलब स्ट्रेस रहता है उसमें, वो एकदम ढीला कर देता है। पालक टमाटर का जूस एकदम ऐसे ढीला कर देता है इंटेस्टाइन में जो खिंचाव है, स्टमक को साफ करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है, कॉलन को भी साफ कर देता है, नाड़ियों को भी साफ कर देता है। ये नाड़ियाँ देख रहे, सफाई ही सफाई करता है पालक टमाटर का जूस। और हमें वही करना है, हमें पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को एकदम साफ कर देना है, क्लीन कर देना है। और वही गंदगी है, उसी वजह से आपको गैस बन रही है। इसके बाद इसमें एक और ग्रीन जूस ले सकते हैं आप, करेले का ग्रीन जूस। करेला ना थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए, क्योंकि करेला ना बहुत तेज़ी से सफाई करता है।
और शुरू के 3-4 दिन हल्का सा ना दर्द भी रहता है, कहीं आप घबरा मत जाना कि अरे मेरा तो पेट दर्द होने लगा, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में दर्द करता है और वो पूरा साफ़ कर देता है, एकदम तिनका तिनका निकाल के फेंक देता है। करेले की ये खूबी है कि पेट में जो भी है तिनका तिनका निकाल के बाहर फेंक देता है और एकदम आनंद आ जाता है जब एकदम साफ़ हो जाता है। उससे पूछिए जिसको कब्जी है कई सालों से, उसका अगर पेट साफ़ हो जाए तो समझ लो कि उसने अमृत पी लिया है, मतलब कि इतनी खुशी महसूस होगी उसको। तो इस तरह से जो है ये दो प्रकार के ग्रीन जूसेज आप लीजिए और उसके बाद पूरा दिन आप जो है पानी वाले फ्रूट्स खाइए जिसमें ज़्यादा पानी, जैसे पपीता, तरबूज, खरबूज, इस तरह का जो है फ्रूट्स, ठीक है, आप खाइए। और आप सलाद भी ले सकते हैं इसमें, और रात में एक टाइम मिलेट्स लीजिए, ठीक है। स्प्राउट्स का तो मेरा ऐसा अनुभव है, मूंग की दाल का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, चने का स्प्राउट्स, इसका मेरा अनुभव है, गैस बनाता है, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ तक कि 8-10 महीने की डाइट करने के बाद भी मैंने ट्राई किया था, मेरा ये अनुभव है। इसके अलावा बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्प्राउट्स खा रहे थे, समस्याएं थी, गैस बनती थी, मैंने उनका स्प्राउट्स बंद करवाया, गैस बंद हो गई। बहुत से लोगों का अनुभव है ये, जैसे ही मैंने स्प्राउट्स बंद करवाया उनकी गैस की समस्या भी सॉल्व हो गई, और बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया बाद में, ठीक है, कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, हम तो कई महीनों से स्प्राउट्स खा रहे थे और हमें समझ ही नहीं आ रहा था गैस कैसे बन रही है। तो इसलिए स्प्राउट्स गैस बनाती है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, पेट साफ होने के बाद भी बनाती है, ये ध्यान दे देना, ठीक है। तो ये कारण थे दोस्तों जिस वजह से आपको गैस बन रहा था पेट में अच्छी चीज़ें खाने के बावजूद। बाकी स्प्राउट्स मैंने मना कर दिया, मेरी डाइट में स्प्राउट नहीं है, ये ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, बाद में खा सकते हो, 8-10 महीने की डाइट कर लीजिए उसके बाद जो है, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि स्प्राउट्स गैस बनाता है, इसलिए मैं सीधा मना कर देता हूँ, स्प्राउट्स नहीं। फल सब्जियाँ खाइए, मिलेट्स खाइए, सलाद खाइए, ठीक है, दैट इज़ इनफ, सब कुछ है उसमें, सारे विटामिन मिनरल सब मिल जाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर जो है मिल गया है, धन्यवाद।